दिले बेखबर प्यार करना नहीं। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, मैं खाना लगाती। रहने दो, कोई जरूरत नहीं खाने की। हाँ खाना खाकर जो आए उठे। क्या हुआ है, ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। चार दफा पूछूंगा तब भी तो बताओगी ना, तो अभी बता दो। मुझे लगता है मैंने ये शादी करके गलती की। सच्ची तो मैं पहले थी, कम से कम तुम मेरी तरफ देख तो लेते। अब ना तुम मेरे साथ बैठते हो ना मुझसे बात करते हो, तो लगता है शायद मुझमें कोई कमी। कोई कमी नहीं है तुम्हें जोया, कमी। कोई कमी नहीं है तुम्हें। अच्छा बैठो 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 यहां। जोया, जोया तुम जानती हो ना मैं किस मुश्किल वक्त से गुजर रहा हूं इस वक्त, कितना मुश्किल है मेरे लिए सर। ऐसे में ना तो कुछ करने को दिल करता है ना किसी से मिलने को दिल करता है। आई नो तुम मेरे लिए बहुत एफर्ट्स करती हो, लेकिन मैं प्यार का ड्रामा नहीं कर सकता इस वक्त। आई नो मैं तुम्हारी एक्सपेक्टेशन में भी पूरा नहीं उतरा, लेकिन दैट्स हाउ आई एम राइट नाउ। प्लीज अंडरस्टैंड करो ना। मैं कौन सा कह रही हूँ कि तुम एक ही रात में बदल जाओ, शुरुआत तो कर सकते हो ना। और मैं कौन सा तुमसे बहुत ज्यादा मांग रही हूँ, अपना हक ही तो मांग। मैं बस ये चाह रही हूँ कि अगर तुम मुश्किल में हो मुझे अपना साथ तो दे दे। बता मैं ज्यादा नहीं 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 ज्यादा मांग रही तुम। ओके मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें तुम्हारा हक दूं। आई ट्राई माय बेस्ट बट भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो। ओके चलो ऐसा करते हैं, हम कहीं बाहर खाने पे चलते हैं। मैं चेंज करके आता हूँ, देन लेट्स गो। उमेर उसे बहुत प्यार करती, तुझे कभी हर्ट मत करना ठीक है। काम कर रहे क्यों, क्या नजर आ रहा है तुम्हें? अब मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी क्योंकि मैं तो सारा दिन ऑफिस में होता है, कोई काम काज तो बचा नहीं है आपके लिए, इसलिए पूरा दिन घर पे बैठ कर पुराने कागज खंगाल रहे हैं ना, ताकि कोई नई चीज हाथ लग जाए। नहीं
अकल ठिकाने नहीं आई ना तुम्हारी, इसीलिए इतनी ओवर चल रही हो तुम। वार्न कर रहा हूं मैं तुम्हें, पास आ जाओ, मत करो ऐसा। क्योंकि अगर मैं अपनी आई पे आ गया ना तो तिगनी कर नाच नचवा दूंगा मैं तुम्हें। अपने हाथ में रहो और ना मुझे मजबूर करो कि मैं अपने हाथ से बाहर आऊं। ओ, बाहर से याद आया, उमेर और मैं बाहर डिनर पर जा। मैंने उसे कितना कहा कि साथ बैठकर खाना खाते, मगर नहीं। शायद वो आपको अवॉइड करने की कोशिश कर रहा, मुझे ऐसा लग रहा है। वैसे भी जब बूढ़े बाप और पुराने सामान में फर्क ना रहे तो दोनों ही फजूल हो जाते हैं और दोनों को ही घर से बाहर निकाल दिया जाता है। बस कुछ दिनों की बात है, और हाँ, अगर आप मुझे कोई धमकी ना दें तो शायद मैं बात बनाए रखने की कोशिश करूं, क्योंकि आपका फ्यूचर तो काफी बुरा नजर आ रहा है। तुम्हारी इस फजूल किस्म की बात ही फजूल किस्म की थी, का सिर्फ एक ही जवाब है मेरे पास। अभी तुम जानती नहीं कि उमर के लिए मैं क्या हूं, और इसीलिए तुम इतनी भटक रहे हो। नहीं नहीं नहीं, अपना ना आप जुमला सही कीजिए। उमर के लिए आप क्या थे ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूं, मगर उमर के लिए मैं क्या बन रही हूं ये आप नहीं जानते। आई समझ? जोया चलो, उमर बुला रहे हैं, बाय। कंटिन्यू। हाँ चलो। डैड है अंदर? हाँ है। अच्छा, एक जरूरी बात करनी, मैं अभी आता हूँ। वो थोड़े मसरूफ हैं, क्यों तंग कर रहे हो? अब कल बात कर लेंगे, अब चलूंगा, लेट हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता, आपको रिटायर करने का इरादे हो मैं कल, हमारी यही तो बात हो रही थी। और वक्त बदलने में देर नहीं लगती, कभी भी बदल सकता है और किसी का भी बदल सकता है, तुम्हारा भी और मेरा भी। इतना वक्त तो मैं बदल चुकी, अब मजीद बदलने का इम्कान यहाँ, अलबत्ता आप अपनी फिक्र करें। भैया मामू, आप ही की पांची कुछ तीर मैंने भी छोड़े हुए थे, देर से लगे पर लगे निशाने पर है। थैंक्स फॉर द गिफ्ट, बहुत प्यारा है माशाल्लाह। यू वेलकम मम्मी, सैलरी बहुत अच्छी है और 3 महीने के बाद गाड़ी भी मिल जाएगी। देखा, मैंने कहा था ना चीजें आहिस्ता आहिस्ता अच्छी हो जाएंगी, बस अल्लाह पे भरोसा रखो। आप सही कहती थी मम्मी, बस अब जरूरी बात यह है कि तुम दिल लगा के अपने मुस्तकबिल पे काम करो। देखना, माजी की यादें आहिस्ता आहिस्ता धुंधली होकर बिल्कुल ही खत्म हो जाए। सफर बहुत लंबा है, अभी पहला कदम रखना है।
आप बस दुआ करें कि कामयाब हो जाए। आमीन। मैं सोच रही हूँ कि कल ना मिठाई मंगवा के रुफसाना के यहाँ भिजवा दूँ, खुश हो जाएंगी। नो अम्मी, नो मिठाई। अब खीर बनाए ना, अब खीर बहुत अच्छी बनाती है, वो मैं भी खा लूंगी और मैं जफर सलीम साहब के लिए भी ले जाऊंगी, उनको भी अच्छी लगेगी। कौन जफर? माय बॉस अम्मी, वो ही तो लेटर देने के लिए आए थे। बता रहे थे कि कुछ साल पहले उनकी बेटी का इंतकाल हो गया। कह रहे थे कि मैं बिल्कुल उनकी बेटी के जैसी दिखती हूँ, या फिर शायद इसलिए क्योंकि हमारे नाम एक जैसे हैं। बट इज अ गुड मैन। खाए ना अम्मी? हाँ। तुमने जो कुछ किया वो गलत था। शुक्र करो कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। साथ भी आहिस्ता आहिस्ता माफ कर ही देगा तुम्हें। मैं जानती हूं अम्मी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन आप मेरी बात को भी तो समझे। इस सारे सिनेरियो को जिस तरह ज़ाहिरा पोर्ट्रे कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हमेशा मुझे गलत और खुद को सही साबित करती है। वो ऐसा क्यों करेगी? उसे क्या मिल जाएगा तुम्हें बुरा साबित करके? बहुत कुछ अम्मी, आप उसे नहीं जानती, वो बहुत चालाक है। पहले मुझे भी ऐसे ही लगता था, लेकिन अम्मी वो हम सबको बेवकूफ बनाती आई है। सारी जिंदगी हम ये समझते रहे कि साद भाई और उसकी शादी होगी, लेकिन एंड में उसने उमेर भाई से शादी कर ली और फिर उन्हें भी छोड़ दिया और यहाँ आ गई। अम्मी उसे पता था कि मैं उसे यहाँ नहीं रहने दूंगी, इसीलिए उसने ये सब कुछ किया है मेरे साथ। ऐसा कुछ भी नहीं, ये सब ना तुम्हारे दिमाग का खलल है बस। वो बेचारी बच्ची तो इतनी परेशान है, सेपरेशन हो गई है उसकी, जॉब नहीं है उसके पास। मैंने तो कई दफा सोचा कि मैं किसी तरह उस बच्ची की हेल्प करता हूँ, लेकिन जानती हूँ वो इतनी खुददार है कि कभी किसी से कोई हेल्प नहीं मांगेगी। रहने दें आप अम्मी, आपको हमेशा वही क्यों सही लगती है और मैं गलत? आप हमेशा उसी की साइड लेती हैं। आपको तो मेरी किसी भी बात पर कभी यकीन आता ही नहीं है। ये किसी के घर में रिश्ता ले जाने का तरीका नहीं होता। मैंने पहले भी नरवीन से कहा था कि आप अपने बड़ों को भेजें, अपने पेरेंट्स को भेजना चाहिए। आप अकेले रिश्ता लेने के लिए कैसे आ गए? जी आंटी, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट असल में मेरी अम्मी बहन की तरफ इस्लामाबाद गई हुई हैं, शी इज एक्सपेक्टिंग। लेकिन अगर आप चाहें मैं कॉल पे बात करा सकता हूं आपकी। लेकिन आपने पहले भी यही कहा। आई फेल टू अंडरस्टैंड कि ऐसी भी क्या जल्दी है कि आप अपनी फैमिली का भी इंतजार नहीं कर सके। काम क्या करते हैं आप? जी फिलहाल तो कोई बेहतर जॉब देख रहा हूँ। मीनवाइल दोस्त के साथ एक स्टार्टअप प्लान किया है, सो लेट्स सी क्या होता है। मतलब कि आपका कोई परमानेंट रेवेन्यू स्ट्रीम नहीं है आपकी? कह सकते हैं जी। एजुकेशन क्या है आपकी? जी मैंने एमए किया हुआ है पॉलिटिकल साइंस में। किस यूनिवर्सिटी से? यूनिवर्सिटी I guess जो टोल रहे हैं। So I hope के आप बिल्कुल भी माइंड नहीं करेंगे कि अगर मैं ये सारी इनफॉरमेशन क्रॉस एग्जामिन कर लूं। Of course, why would I mind? Of course you should do that. लेकिन मैं बताना चाह रहा था कि अभी मेरे दो पेपर्स रहते हैं, so
हेल्प मी अंडरस्टैंड, जॉब आपकी टेम्प्रेरी है, एजुकेशन आपकी अधूरी है, फैमिली को आप साथ नहीं लाए, आपको क्या लग रहा है ये सब एक मजाक चल रहा है? सर मैं और नरमीन एक दूसरे, बस आप प्लीज जाएं यहां से। एक्चुअली मेरा वो मतलब नहीं था जो आप समझ रहे थे। उठें, आप उठें, निकले प्लीज। और सुनो, आइंदा आप मुझे निर्मीन के करीब भी नजर ना आए। नाउ लीव। भाई ये क्या तरीका है, कैसे बात की आपने उससे? निर्मीन ये लड़का तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। एटलीस्ट उसकी बात तो सुन लेते, आपने कितनी इंसल्ट की है उसकी। बिकॉज़ ही डजंट हैव एन इनकम, कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ही इज अ गुड ह्यूमन। अच्छा निर्मीन, मैं सब बिल्कुल बहस करने के मूड में नहीं। सही कह रहे हैं, बहुत हो गया, तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? अपनी माजिद भाई गलत नहीं कह रहा, बस माजिद नो गो टू योर रूम, गो गो। बड़े मीर साहब कभी भी हमारे रिश्ते के लिए तैयार नहीं होंगे, मैं जानता हूं ना। सुनो हमें कदम उठाना पड़ेगा नसीम, समझ रही हो तुम? नसीम मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, कल स्टेशन पे मिलेंगे ठीक है? बहुत डर लग रहा है जफर, वक्त से पहले आ जाना। साहिर है पहुंच जाऊंगा, और तुम भी घबराना नहीं, हमेशा के लिए एक हो जाएंगे नसरीन। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कुछ कुछ हो जाएगा, किसी को पता चल जाएगा। या मैं नहीं आ पाऊंगी या तुम। सुनो मेरी जान भी चली गई तो मैं जरूर पहुंचूंगा, सब इंतजाम हो चुका है, कल हम कराची जाएंगे, वहां जाके निकाह कर लेंगे। और एक दफा हमारा निकाह हो गया ना तो वापस आके मीर साहब के पैरों में गिर के माफी मांग लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, कल मिलते हैं। कल मिलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। भाई आपकी बात मानते हैं, को समझाएं, इस ताल्लुक को खत्म करें, पीछे छुड़ाएं सोनिया से। क्या चाहती हो तुम, मरवा दूं उसे? मरवा दूं उसे? अम्मा अगर आपने हमजा को कुछ भी किया ना तो आपकी बेटी भी जिंदा नहीं रही। तेरे बिना क्या जीऊं, क्या है दिशा मेरा? मेरी उम्र भी हमजा को लग जा, मेरी जिंदगी की सारी खुशियां हमजा को मिल जा। सोनिया मत रो, मुझे कुछ नहीं हो। अभी भी उसी का नाम ले रहे जिसकी वजह से ये हालत हुई।
बहुत हसीन लग रही हो। उमेर में रोज अपने आप को आईने में देखती हूँ। आई एम अ वेरी ऑर्डिनरी लुकिंग गर्ल। ऑर्डिनरी? तुमने शायद कभी खुद को आईने में देखा नहीं है। कभी मेरी आंखों से देखोगी ना तो तुम्हें अंदाजा होगा तुम कितनी हसीन हो। सुनो, ये बात साद के सामने मत बोल देना। तुम्हें अंदाजा नहीं है कितना हंसेगा मुझ पे। ये बात अपने तक रखना। आई रियली विश कि वो हमारे साथ होता अभी। साथ, हमारे साथ। प्लीज, कबाब में हड्डी ना मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। रोमांटिक डिनर। क्या क्या तुमने क्या कहा? साद हमारा बचपन का दोस्त है। तो बचपन का दोस्त का जवानी में क्या काम? वैसे भी अब तुम्हें सिर्फ मेरे साथ की जरूरत होनी चाहिए। तुम कितने बदतमीज हो। मैं जब मिलूंगी साद से, मैं उसको बताऊंगी तुम उसकी पीठ पीछे क्या क्या बोलते हो। ओके, फाइन फाइन, मजाक कर रहा हूँ यार। खाना खाते हैं, ठंडा हो रहा है। खाना खाओ, खाना ठंडा हो रहा है। मैं तुम लेकिन अभी तुम मान क्यों नहीं लेते कि वो जा चुकी है तुम्हारी जिंदगी से। वो अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ गई, लेकिन पता नहीं तुम क्यों कहीं ना कहीं अटके हुए हो। और तुम्हारे साथ मैं भी। तुमने मुझे अपनी जिंदगी में शामिल कर तो लिया है, मगर कभी ओन नहीं किया उमेर। अफसोस तो इस बात का है उमेर कि ज़ाहिरा जीत गई और मैं तुम्हें प्यार करके भी हार गई। सोया, सोया। आ रही हूं। बोलो, अब किस चीज के लिए ब्लेम करने आई हो मुझे? नरमी, मेरी वो इंटेंशंस नहीं थी उस वक्त। डोंट टेक मी रॉन्ग। और आज कोई ब्लेम गेम खेलने नहीं आई। अम्मी ने मीठा बनाया था आज। दिस इज फॉर यू एंड रुखसाना आंटी। किस खुशी में? जॉब हो गई है मेरी। कंग्रेचुलेशंस, टेक केयर। I'm so sorry, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इतने शॉर्ट नोटिस पे इतना बड़ा ऑर्डर बनाना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। आपको कब चाहिए? Tomorrow 5 PM। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ कि कल शाम 5 बजे तक आपको डिलीवर करवा दूँ ऑर्डर, लेकिन नेक्स्ट टाइम प्लीज इन एडवांस ऑर्डर कीजिएगा। चले ठीक है, ओके बाय।
होते हो तुम? नजर ही नहीं आते हो। ऑफिस में होता हूँ, आजकल बिजनेस थोड़ा एक्सपैंड कर रहे हैं तो वहीं ज्यादा वक्त गुजरता है। अपने लिए टाइम निकालो, तुम्हारी भी तो अपनी जिंदगी है ना। अपनी जिंदगी के बारे में सोचो, आने वाली जिंदगी के बारे में सोचो। किसी के जाने से दुनिया खत्म नहीं हो जाती। लाइफ गोज ऑन एंड वी ऑल नो दैट। क्यों मेरे लिए तो भी ना? आई नो बेटा, तुम्हारे लिए वो बहुत बड़ा झटका था, लेकिन इस तरह से जख्म को कुरेदते रहोगे तो जख्म नहीं भरेगा, मरहम रखोगे तब ही भरेगा। उमेर ने दूसरी शादी कर ली है, पर तुम अच्छे से जानते हो उसने ये शादी सिर्फ जायरा को टॉर्चर करने के लिए की है। आज नहीं तो कल वो जायरा को डिवोर्स कर देगा। तुम कर लो शादी जायरा से, ऐसे क्या देख रहे हो? क्या तुम्हें और जायरा को खुश रहने का हक नहीं है? गलत नहीं कह रही मैं, मेरी इस बात के बारे में सोचना जरूर। ये लो, पकड़ो ये रिंग और मुझे पहनाओ। गुड आइडिया, गुड आइडिया। इधर इस सारी याद। पक्की बात है? कैसी लग रही है? वेरी नाइस, 10 out of 10। गुड लक चाम, बचपन से जिसकी वजह से तुम्हारे सारे बिगड़े हुए काम सवर रहे हैं। सिवाय एक काम के? ऐसा कौन सा काम है जिसमें तुम्हारी बेहतरी हो सकती थी और वो मैंने नहीं किया? तुम्हें वाकई नहीं पता? नहीं, इसलिए तो पूछ रही हूं, प्लीज एनलाइटन मी। आई लव यू ज़ायरा। I've always loved you. साहद, पागल हो गए हो क्या? सच कह रहा हूं।
आज नहीं तो कल वो ज़ायरा को डिवोर्स कर देगा। तुम कर लो शादी ज़ायरा से। क्या तुम्हें और ज़ायरा को खुश रहने का हक नहीं है? गलत नहीं कह रही मैं। मेरी इस बात के बारे में सोचना जरूर। मैं और ज़ायरा? नहीं यार, मैं और ज़ायरा सिर्फ दोस्त हैं। क्या हो गया मुझे? दिमाग तो नहीं खराब हो गया मेरा? लेकिन पर अम्मी क्यों कह रही थी? अम्मी तो कुछ भी बोल देती हैं यार। लेकिन हाइपोथेटिकली स्पीकिंग ऐसा हो सकता है? सुबह सुबह खैरियत? मेरी जॉब हो गई है, बताया तो था आंटी को। ओह राइट राइट, कंग्रेचुलेशंस यार, दैट्स अमेजिंग। थैंक यू। किसी का इंतजार कर रही हो? कैब का वेट कर रही हूँ। किधर है तुम्हारा ऑफिस? करीब में ही जाना है। Hardly 20 minutes drive. तो I'll drop you ना? नहीं, साथ में चली जाऊंगी। Yeah, please stop being so formal. I'll drop you, please. साथ में चली जाऊंगी। Yeah, just cancel your cab, just come. Zaira, please come. आओ ना। Please. Thank you.
थोड़ा जल्दी चलाओ ना प्लीज, ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है। डोंट वरी, मैं तुम्हें टाइम पे पहुंचा दूंगा। तुम्हारा कोई कॉन्टैक्ट हुआ? कॉन्टैक्ट? किससे कॉन्टैक्ट? उमेर सर। ना उसने मुझसे कोई कॉन्टैक्ट किया और ना मैंने उससे, और अगर करेगा भी तो बात नहीं करनी अपने से। नहीं नहीं, आई टोटली अंडरस्टैंड। बड़ा मुश्किल होता है ये वक्त गुजारना। मैं भी बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल पाया हूँ। मोहब्बत में धोखा खाने के बाद कोई संभलता नहीं है, बस वक्त गुजारना सीख लेता है। बस यहीं पे रोक दो। एक सेकंड। बेखबर प्यार करना नहीं।